हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अपने यूट्यूब चैनल पे मैकेनिकल और जो उसकी अलाइड ब्रांचेज हैं उनके लिए जो है वीडियो लेक्चर्स लाते रहते हैं, जिससे कि बच्चे जो है अपनी प्रिपरेशंस को बेटर कर सकें, चाहे वो उनकी कॉलेज की प्रिपरेशन को लेकर हो, चाहे ऑन कैंपस की प्रिपरेशन को लेकर हो, या फिर ऑफ कैंपस की प्रिपरेशन को लेकर हो, या फिर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर हो। तो हमारे YouTube चैनल पे जो है आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है मैकेनिकल के जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मल इंजीनियरिंग, आपका मटेरियल साइंस, आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आपका हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी, मशीन डिजाइन, और इसके अलावा जो आपका मैन्युफैक्चरिंग साइंस, और इसके अलावा आपका जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर जो है काफी सारे लेक्चर्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ जो है जो मैकेनिकल की जो कोर कंपनीज हैं, मोर देन 35 प्लस कंपनीज के जो इंटरव्यूज हैं, उनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, उनकी जो वीडियोस हैं वो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। तो आज की जो वीडियो है ये बाकी वीडियो से अलग है, और आज की इस वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं वो है आपका इंटर्नशिप ट्रेनिंग से रिलेटेड। आपकी जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग आप लोग करते हैं उसको लेकर के जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां पर किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पुटअप होते हैं, आज की इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके सामने जो है मैं रखने की कोशिश करूंगा। मैंने नोट डाउन किया हुआ है इन क्वेश्चंस को जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगे, और जैसा कि मैंने देखा है कि कहीं काफी सारी मैकेनिकल कोर कंपनीज में इन क्वेश्चंस को जो है पूछा भी जाता है, और मैं आज की इस वीडियो में इन क्वेश्चंस को आपके सामने रख रहा हूं जो कि मेरे खुद के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमारे ही यूट्यूब चैनल पे जो है आपको जो है जो कंपनीज की जो सिलेक्शन क्राइटेरिया, उनके टेक्निकल इंटरव्यू, इनके एचआर इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं वो इसलिए कि आपको ये आइडिया रहे कि किस कंपनी में किस टाइप के क्वेश्चंस जो पुटअप हुए हैं। और इसके अलावा मुझे एक बच्चे ने कमेंट भी किया था कि सर ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, तो ग्रुप डिस्कशन को लेकर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें कंप्लीट ए टू जेड मैंने जो है आपको जीडी के बारे में बताया है। तो आपने अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है ग्रुप डिस्कशन वाली वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख करके ये आइडिया लगा सकते हैं कि जीडी में जो है मतलब किस किस टाइप के जीडीज होते हैं, और जीडीज में जो क्या क्या प्रोसेस होता है, उसके अलावा जीडी में जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर के जो सिलेक्शन किया जाता है, और हमको जीडी में क्या करना चाहिए। तो ग्रुप डिस्कशन को लेकर के मैंने कंप्लीट इस वीडियो बताया। उसके साथ साथ जो मैंने प्रोजेक्ट को लेकर के भी एक वीडियो अलग से बनाई थी कि जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां पर प्रोजेक्ट से जो आपने अपना बीटेक में या डिप्लोमा के फाइनल में जो आपने प्रोजेक्ट किया होता है उस प्रोजेक्ट से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उस वीडियो का लिंक भी जो है आपको ऊपर आई बटन में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। और उसके अलावा और जो कंपनीज में जो इंटरव्यू सिलेक्शन क्राइटेरियाज रहे हैं उनके भी जो है लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका इंटरव्यू में इंटर्नशिप ट्रेनिंग से क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में इंटर्नशिप ट्रेनिंग से क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसी को जो है इंग्लिश में अगर बोला जाए तो व्हाट क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम ड्यूरिंग इंटरव्यू, ठीक है। तो ये टॉपिक है आपका और इसको हम जो है वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, और इससे पहले मैं एक बात और बोलना चाहूंगा आपको कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और जो वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करें, और जब हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तो उसके साइड में एक बेल आइकन का बटन आपको मिल जाएगा, उस बेल आइकन के बटन को आप प्रेस करें, उसमें ऑल की एक ऑप्शन मिलेगा, उस ऑप्शन पे आप क्लिक करें जिससे कि आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो आज की जो वीडियो है ये ऑल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, क्योंकि हर स्ट्रीम के फाइनल में आप लोग अपना अपना एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उस प्रोजेक्ट से जो कॉमन क्वेश्चंस हैं जो पुटअप होते हैं इंटरव्यूज में उनको मैं आज आपके सामने रख रहा हूं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन रहता है उसमें रहता है आपका इन विच कंपनी यू हैव डन इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। सबसे पहले इंटरव्यूअर यही देखना चाहते हैं कि आपने किस कंपनी में जो है
इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम को आपने किया है, तो आपने जिस भी कंपनी में आप इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आप जाते हैं, तो उस कंपनी का जो वर्किंग प्रोफाइल है उसको आप बिल्कुल अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लें कि मैंने जिस कंपनी से भी इंटर्नशिप की है वो कंपनी क्या काम करती है, उसका जो है प्रोफाइल, वर्किंग प्रोफाइल क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि आपने जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग जो है कौन सी कंपनी से आपने की है, तो आप इसका कंपनी का नाम, उसका वर्किंग प्रोफाइल को अच्छे से आप अपने माइंड में सेट कर लें कि जिस भी कंपनी में आपने इंटर्नशिप की है। तो पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछे जाने वाला है और इसको आप अच्छे से तैयार करके रखें अपने पास। उसके बाद टेल मी अबाउट द कंपनी प्रोफाइल, जो कंपनी का जो प्रोफाइल है वो कंपनी क्या करती है, क्या बनाती है, किस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाती है, तो वो प्रोडक्ट्स की क्या इन्फॉर्मेशन आपसे लेंगे कि क्या किस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने मैकेनिकल के थ्रू अगर आप जा रहे हैं किसी कंपनी में, कोई कंपोनेंट वो बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो आपको उसका बताना है। या डिजाइन कंपनी में अगर आप जाते हो, तो डिजाइन में किस किस पैरामीटर पे वो किस 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 चीज मॉडलिंग करते हैं या प्रोडक्ट बनाते हैं, जो भी है वो आपको बताना है। मतलब कंपनी का जो वर्किंग प्रोफाइल है उसको आपने एक्सप्लेन करना है वहां पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आपसे पूछा जा सकता है कि उसमें ये है आपका why you have choose internship training program in this company, तो आपने जो internship training program जो है इसी कंपनी में जो है मतलब क्यों चूज किया आपने, तो आप बता देंगे कि भाई इस कंपनी में जो है पहले भी इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम होते रहे, जो भी है मतलब आपको जैसे भी पता लगा या जो भी आपके पास रिलेटेड आपके पास इन्फॉर्मेशन थी, तो आप वो बताएंगे कि इस कंपनी में जो है मतलब पहले जो बैच निकले या तो उनका आप रेस्पॉन्स दे सकते हैं, या फिर जो कंपनी में जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए निकला हुआ था इनका एडवर्टाइजमेंट उसको लेके आप बता सकते हैं, या कंपनी जो है अच्छा इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम कराती है, जो भी है मतलब आप जो है बताएंगे कि इस कंपनी में आपने क्यों चूज किया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर फोर आपसे पूछा जा सकता है वो है आपका व्हाई यू हैव चूज इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम इन दिस फील्ड, आपने जो है इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है इसी फील्ड में क्यों चूज किया। मतलब सपोज आप प्रोडक्शन में चले गए, प्रोडक्शन में आपने की है 4 वीक की, या फिर आपने जो है 2 मंथ की जो भी है, या आपने जो है किसी डिजाइनिंग सेक्टर में आपने की है, या कहीं अपने मेंटेनेंस सेक्टर में आपने की है, तो जो भी है वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने जो है इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो इसी फील्ड में आपने क्यों चूज किया। उसका आपके पास एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स होना चाहिए, तो आप उसका जरूर एक माइंड में सेट करें कि हमें इसका क्या जवाब देना है, ठीक है। मैं जवाब दे सकता हूं, मैं बता सकता हूं आपको, लेकिन ये है कि हर पर्सन का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो आपका अपना जो है जो भी आपको एक पॉजिटिव वे में लगता है आप वो अपना आंसर आप वहां कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपकी इंटर्नशिप ट्रेनिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो आपने इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने किया उसका ड्यूरेशन जो है वो कितने टाइम का था आपका, तो आप उसको बताएंगे कि इतने ड्यूरेशन का था, इस डेट से इस डेट तक मैंने जो ये इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है किया था इस कंपनी में, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट यू हैव डन ड्यूरिंग इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम इन दिस कंपनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने जो है इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान उस कंपनी में आपने क्या किया। अब आपको यहां पर जो है थोड़ा डिटेल में बताना है कि जब आप इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आप गए कंपनी में, तो आपने उस कंपनी में इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो है जो 4 वीक आपका या फिर 2 मंथ की जितने भी ड्यूरेशन की आपने की है उसकी आपको एक समरी जो है वो आपको उनको बतानी है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो आपका क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम डिपार्टमेंटल ऑपरेशन ऑफ ए कंपनी। अब साइड से बात है, जब आप इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए इसी कंपनी में जाएंगे और यहां पर आपका 4 वीक या फिर 2 मंथ या 3 मंथ जो भी आपने इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है उसमें कंपनी के जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, कंपनी जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में आपसे जो है आपको नॉलेज प्रोवाइड करती है, आपको वर्किंग एनवायरमेंट को समझाती है, तो उसको लेकर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो आपको बताना है कि डिपार्टमेंटल लेवल पे जो है आपने कौन कौन से डिपार्टमेंट में गए कंपनी के और आपने वहां पर क्या क्या काम देखा, आपने क्या क्या प्रॉब्लम्स को देखा कि क्या क्या प्रॉब्लम रेज हो रही है वहां पर, उन प्रॉब्लम्स को कैसे वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं, तो वो सब आपसे जो है इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। या फिर इंटर्नशिप में अगर आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है, किसी उस पे रिसर्च पे काम किया, तो वहां से जो भी आपने वर्किंग किया समझ लीजिए आपसे उस पे जो है फिर वहां आपसे थ्रेडिंग होगी, वहां आपसे डीपली जो है आपसे क्वेश्चन जो है पुटअप होंगे। क्वेश्चन नंबर
ये सेवन मैंने आपके सामने रखा। क्वेश्चन नंबर एट है, हाउ इज द वर्किंग एनवायरमेंट ऑफ द कंपनी, उस कंपनी का जो वर्किंग एनवायरमेंट है वो आपको कैसा लगा। तो आपको बताना है कंपनी के बारे में कि जहां भी आपने इंटर्नशिप की उसका वर्किंग एनवायरमेंट कैसा था, आपको कैसा लगा, तो वो आपको अच्छे से बताना है इसमें। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर नाइन, व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो आपने जो है इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम से क्या सीखा, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का फाइनल रिजल्ट क्या निकला, आपने इसमें क्या सीखा, क्या गेन किया, और तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग से रिलेटेड। एंड लास्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो आपका, हाउ टू इम्प्लीमेंट इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम इन अवर ऑर्गेनाइजेशन। आप जो है जो आपने इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम की है उस कंपनी में, जिस भी कंपनी में आपने किया इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, उस ट्रेनिंग इंटर्नशिप ट्रेनिंग को आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो आपको वहां पर एक प्रॉपर रिस्पॉन्स आपको देना है। तो ये टोटल 10 क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आपको बताया। मैं एक बार सभी क्वेश्चंस को दोबारा पढ़ देता हूं जो कि मैंने आपको बताए हैं। इन विच कंपनी यू हैव डन इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू, टेल मी अबाउट द कंपनी प्रोफाइल। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई यू हैव चूज इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम इन दिस कंपनी। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाई यू हैव चूज इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम इन दिस फील्ड। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट यू हैव डन ड्यूरिंग इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम इन दिस कंपनी। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन आस्क फ्रॉम डिपार्टमेंटल ऑपरेशन ऑफ ए कंपनी। तो ये क्वेश्चन अच्छे से आपको फोकस करना है इस क्वेश्चन पे। एंड क्वेश्चन नंबर एट, हाउ इज द वर्किंग एनवायरमेंट ऑफ द कंपनी। तो कंपनी का जो वर्किंग एनवायरमेंट है कैसा लगा उसके बारे में आपको बताना है। एंड क्वेश्चन नंबर नाइन, व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम द इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, आपने इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम से क्या सीखा वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ टू इम्प्लीमेंट इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम इन अवर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये टोटल 10 क्वेश्चन जो कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो मैंने आपके सामने रखे। तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में अगर आप इन 10 क्वेश्चन पर बहुत अच्छे से फोकस आप कर लें, तो फिर आपका जो सिलेक्शन के चांस है वो बढ़ जाते हैं। क्योंकि जो आपका जो इंटरव्यू होता है उसमें आपका जो प्रोजेक्ट है, एक तो उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। वो सारे क्वेश्चंस मैंने अपने जो प्रोजेक्ट वाला जो मैंने वीडियो बनाया था उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के जो है उसको देख लीजिए। तो उसमें काफी क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया है। तो अगर वो सारे क्वेश्चंस अच्छे से आप तैयार कर ले तो आपका प्रोजेक्ट का जो इंटरव्यू है वो आपका अच्छा हो जाएगा। साथ में जो है आपका जीडीए का आप वीडियो देख लीजिए, तो आपको जीडीए भी समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह से उसकी प्रिपरेशन करनी है। और उसके बाद जो आज मैंने आपका जो आपके इंटर्नशिप ट्रेनिंग से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वो क्वेश्चंस मैंने आज आपके सामने रखे, जिससे कि आप अपने जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग की जो रिपोर्ट है और अपने इंटर्नशिप ट्रेनिंग का जो की है उस इंटर्नशिप ट्रेनिंग को आप अच्छे से जो है याद कर लें उसको, कि आपने वहां क्या क्या किया है। और मैं तो कहता हूं एक जगह आप लिख भी लीजिए कि इसकी समरी वगैरह आप बना लीजिए, कि अगर मुझे इंटर्नशिप ट्रेनिंग के बारे में स्टार्टिंग में बताना पड़ेगा तो मुझे किस तरीके से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आई होप आपको काफी नॉलेज मिली होगी कि इंटर्नशिप ट्रेनिंग से किस टाइप के क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। ओके, इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि हमारी कुछ ई बुक्स हैं जो कि ऑन कैंपस प्लेसमेंट, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट और आपका जो है गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। आपको जो मेरे बैकग्राउंड में जो है आपको ई बुक्स दिखाई दे रही होगी, ये सारी बुक्स जो है आपको अमेजोन पे मिल जाएंगी। ये ई बुक की फॉर्म में है और इन ई बुक से जो है आप अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। और इन सभी ई बुक्स की जो लिंक्स हैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप सो इस वीडियो से आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी अपनी इंटर्नशिप ट्रेनिंग को लेकर के, कि इंटरव्यू में जो आपका टेक्निकल इंटरव्यू ऑन कैंपस या फिर ऑफ कैंपस में होता है, या फिर गवर्नमेंट में अगर कोई अपना एग्जाम दिया वहां पर अगर आपका इंटरव्यू उनका क्राइटेरिया में है, तो वहां पर किस टाइप के क्वेश्चन आपके इंटर्नशिप से पूछे जा सकते हैं। तो मेरे माइंड के पॉइंट ऑफ व्यू से या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये क्वेश्चंस मैंने आपको बताए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इंटर्नशिप से क्वेश्चंस को लेकर, कि इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ में। ओके, थैंक यू।